what is this program Tathastu is all about? Let me tell you something about Tathastu. Tathastu, what is Tathastu? Actually, it is God's blessing. Whatever you want from God, God gives you. That's a unique workshop for students. And हम ये चाहते हैं कि student जो भी अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता है, जो उसका dream है, वो उसको मिल जाए. और इसीलिए हमने इस workshop का नाम Tathastu रखा है. देखिए हमारे मोटिवेशन के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए कई तमाम तरह की ट्रेनिंग्स इस दुनिया में चलती हैं. वो मैं नहीं कहता वो इफेक्टिव नहीं है, वो इफेक्टिव भी है. बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ज़्यादातर ट्रेनिंग जिसमें मोटिवेशन का कंटेंट ज़्यादा होता है, लोगों को मोटिवेट करती हैं और बहुत हद तक उनके अंदर कुछ पैशन भी डालती हैं, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करता. जैसे जैसे मोटिवेशन का असर कम होता है, हम वापस से अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर आते हैं. वी आर वर्किंग बेसिकली थ्रू सम साइंटिफिक टेक्निक्स, थ्रू ब्रेन प्रोग्रामिंग, वी आर एबल टू चेंज दोज हैबिट्स. लाइक अगर मैं हैबिट की बात करूँ तो हमारे कुछ हैबिट्स है कि मैं रात को नहीं पढ़ सकता, या मैं जल्दी नहीं उठ सकता, या फिर मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए पढ़ने के लिए. इस तरह की कुछ हैबिट्स के साथ हम जीते हैं और हम ये बताते भी हैं ट्रेनिंग में कि ये हैबिट्स आपको अवॉइड करनी चाहिए. और आप किसी भी एनवायरनमेंट में, अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो आप किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी सिचुएशन में पढ़ सकते हैं. थ्रू ब्रेन प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हम वो बिलीफ सिस्टम को अंदर से बदलते हैं, और उस बदले हुए बिलीफ सिस्टम से अगर आपके पढ़ने की इच्छा शक्ति है, तो आप किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी हालत में, किसी भी इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ सकते हैं. अगर मैं बात करूं, हमारे कुछ फोबियाज एंड फियर्स हो सकते हैं कि कई लोगों को एग्जाम का फोबिया है. वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको सब आता भी, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वो डिप्रेशन सा आ जाता है. अपने आप उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, कुछ इंटरनल फीलिंग्स बदलने लगती है, और उनको जैसे एग्जाम आता है उनको लगता है एज इफ दे डोंट नो एनीथिंग, दे स्टार्ट कमिटिंग मिस्टेक्स, दे स्टार्ट फॉरगेटिंग एवरीथिंग. तो हम उस प्रोग्रामिंग के माध्यम से, उस ब्रेन के कुछ पैटर्न के माध्यम से, जो उनके फीलिंग्स हैं, जो उनकी प्रोग्रामिंग हो रखी है, जो उनका ये फियर है, उसको हम पूरी तरह से बैनिश करते हैं और उसकी जगह नया बिलीफ सिस्टम हम स्टोर करते हैं. और उस बिलीफ सिस्टम की वजह से आप उस फियर को दूर भगा देते हैं और आप कहीं ना कहीं अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दे सकते हैं. हर वक्त हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. जब हमारा माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता है, जब हम बहुत खुशनुमा माहौल में होते हैं, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. जब फिर हमें थकान महसूस नहीं होती, भूख महसूस नहीं होती, हमें कोई डेविएशन महसूस नहीं होता, हमें कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होता, वी कैन कॉन्सेंट्रेट. लेकिन कई बार वो स्टेट नहीं रहता. तो हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, उसके माध्यम से हम आपको मदद करते हैं कि आप अपनी हर वक्त, और खास करके जो इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस आपकी जिंदगी की हैं, एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज हैं, वहां पर आप उस पीक परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म करेंगे, तो आप यू आर इन अ पोजीशन टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस. यू कैन गिव योर 100%. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. इसके अलावा जो कुछ भी सपने आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं कि मैं ये जिंदगी में ये बनना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में कुछ ऑप्शंस लेके चलते हैं, कुछ आप खुद अपने आप को एक अलाउंस देके चलते हैं कि मुझसे ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, और कहीं ना कहीं वो कुछ कन्फ्यूजन्स और केओस कॉज करते हैं जिंदगी में. तथास्तु वर्कशॉप के साथ मेरा ऐसा विश्वास कि बहुत सारी क्लैरिटी आपके डिसीजन मेकिंग सिस्टम में आ सकती है. और एक जब आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत क्लियर है कि मुझे यही करना है, एक इंच इधर नहीं, एक इंच उधर नहीं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग हो जाते हैं, और आप एक तरह से कह सकते हैं ना, बुलजाई को हिट करने की पोजीशन में रहते हैं. मैं नहीं कहता कि आपके पास प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, बट प्लान बी को अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से डाल दिया कि ये होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये कर लूंगा. और हमें से बहुत सारे स्टूडेंट जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फाइट करते हैं, तो वो इसी तरह के माइंडसेट के साथ जाते हैं, लेट मी ट्राई फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड इफ डज नॉट क्लिक आई गो फॉर दिस वन एंड आई थिंक दैट डजंट अलाउ मी टू परफॉर्म टू माई पीक. सो वो सारे सिस्टम को हम एलिमिनेट करके वी आर गोइंग टू रिस्टोर न्यू थिंग्स. एंड जो कुछ भी स्ट्रेस है, या कई बार कुछ मेरे पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, आई माइट नॉट हैव परफॉर्म्ड वेल इन एग्जाम्स, कुछ मेरा फैमिली के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ डिजीज मेरे को हो सकती है, कुछ मेरे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और वो पास्ट मेमोरीज जब कभी भी मुझे याद आती है, तो मेरे टेम्परेरीली मुझे मेरे दिमाग को, मेरे शरीर को बहुत हद तक डेविएट कर देती है. और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, उसके माध्यम से वी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन डिलीट, इरेज दोज पास्ट मेमोरीज कम्प्लीटली.
एंड यू गेट अ फ्रेश माइंड टू परफॉर्म। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी हमारी हैबिट्स होती है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली स्टोर होती है। उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। जब तक हम उस प्रोसेस को, सर्किट को नहीं बदलेंगे, उसकी रीप्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप इनपुट कुछ भी डाल लीजिए, आपका आउटपुट वही आने वाला है जो आ रहा था। कहते ना कि इंसैनिटी, व्हाट इज इंसैनिटी, कीप डूइंग सेम थिंग बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। अब यार सेम थिंग से मेरा मतलब है कि जो पिछले इतने सालों से आपने जो एक प्रोग्रामिंग कर रखी है सबकॉन्शियस की, जाने और अनजाने में, उस प्रोग्रामिंग को जब तक आप बदलेंगे नहीं, उसको रीप्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, उसके सर्किट को नहीं बदलेंगे, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं बदलेंगे, आउटपुट हमारा बदलने वाला नहीं है। और इस तथास्तु की जो 2 दिन की वर्कशॉप है, इसमें कई सारे ऐसे सेशंस हैं जिसमें हम आपको मौका देते हैं अपनी ब्रेन की पूरी रीप्रोग्रामिंग करने का। और निश्चित तौर पर जब रीप्रोग्रामिंग होने के बाद आप वही आउटपुट आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, वही आउटपुट आपको जो मिलेगा एग्जैक्टली जो शत प्रतिशत आप चाहते हैं। व्हाट ऑल आर द एरियाज व्हिच यू आर गोइंग टू कवर इन दिस? आई थिंक आज के लिए इतना ही होता है। मैं बहुत ज्यादा मैं तैयार नहीं।